जी हाँ भाई बहनों, अगर आप लोगों के पास प्राचीन काल से जुड़े पुराने नोट या पुराने सिक्के और आप लोग उन पुराने नोट और सिक्कों को घर बैठे बेचना चाहते हैं, या फिर आप लोग उन पुराने नोट और सिक्कों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं परंतु अभी तक आप लोगों के नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, तो आज आप लोग बिल्कुल इस सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों के सारे पुराने नोट और पुराने सिक्के हैं जो घर बैठे बिकने वाले हैं। तो आखिरकार आप लोगों को अपने पुराने नोट और सिक्के किस प्रकार से बेचना होगा, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और आप लोगों के नोट और सिक्के जो घर बैठे आसानी से बिक सकते हैं। तो आखिरकार आप लोगों को अपने पुराने नोट और सिक्के किस प्रकार से बेचना होगा, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। यहाँ पर जो कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं, फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि अभी तक हमारे पुराने नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, तो उनका यही कारण है वो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उनको सारी जानकारी है जो समझ में नहीं आती है और उनको बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर है जो वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, वहां पर आप लोग आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोगों के नोट और सिक्के घर बैठे या फिर एग्जीबिशन में जाकर आप लोग बायरों से कॉन्टेक्ट करके उनसे सारी जानकारी लेकर आप लोग नोट और सिक्के जो घर बैठे भी बेच सकते हैं। यहाँ पर जो किस प्रकार से कॉन्टेक्ट करना होगा, किस प्रकार से बात करनी होगी और एग्जीबिशन कहाँ कहाँ पर लगेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आगे इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर जो आगे इस वीडियो में ऐसे पुराने नोट और सिक्के बताऊंगा जिनकी कीमत जो वर्तमान में लाखों या करोड़ों रुपए में चल रही है। जी हां भाई बहन, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आगे इस वीडियो में ऐसे पांच नोट और पांच सिक्के बताऊंगा जिनकी कीमत जो लाखों या करोड़ों रुपए में चल रही है। तो भाई बहनों, ऐसे कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रही। यहाँ पर जो उन नोट और सिक्कों में ऐसी क्या खासियत है जिनकी वजह से बाहर खुद लोग घर आकर खरीद रहे हैं और उनको लाखों रुपए में खरीदा जा रहा है। जी हाँ भाई बहनों, ऐसी क्या खासियत और कहां पर यहां पर जो पुराने नोट और सिक्के बेचे जाते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने अभी तक YouTube पर बहुत ही सारे वीडियो देखे होंगे। आप लोग YouTube पर वीडियो देखकर या फिर कमेंट में से नंबर लेकर आप लोग कॉल करते हैं तो वो लोग जो आप लोगों से पैसे मांगते हैं, और यहाँ पर जो कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं, फिर वो लोग हैं जो उनके पुराने नोट और सिक्के भी नहीं खरीदते। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि वो लोग बिल्कुल फ्रॉड लोग होते हैं। आप लोगों से पैसे ले लेते हैं और आप लोगों के नोट और सिक्के भी नहीं खरीदते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को उन लोगों से फ्रॉड लोगों से बच के रहना होगा। आप लोग बिना पैसे लगाए घर बैठे नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा या फिर ऐसे बायर से कॉन्टेक्ट करिएगा जो बिना पैसे लिए हुए नोट और सिक्के जो घर बैठे खरीदे। तो भाई बहनों, चलते आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी नोट और सिक्कों के बारे में बता देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों के पास प्राचीन काल से जुड़े कौन कौन से नोट और सिक्के हैं, और भाई बहनों आप लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं। आप लोग इतना काम कर लेंगे तभी आप लोगों के नोट और सिक्के हैं जो घर बैठे बिकेंगे। तो भाई बहनों, चलते आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपने पुराने नोट और पुराने सिक्के जो घर बैठे बेच सकते हैं। आप लोग बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते हैं या फिर मेरे खुद के कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में दिए हुए वहां पर आप लोग आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी और आप लोगों के नोट और सिक्के जो घर बैठे बिक जाएंगे। तो भाई बहनों, चलते आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाई और बहनों, अब बात कर लेते हैं प्राचीन काल से जुड़े पुराने नोट और सिक्कों के बारे में। आगे इस वीडियो में ऐसे पुराने नोट और पुराने सिक्के बताऊंगा जिनकी कीमत है जो आप लोगों को घर बैठे लाखों रुपए में मिलने वाली है।
तो भाई अरबिन, वैसे कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जानने के लिए आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए और आप लोगों को बायोरो के कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाए और आप लोग घर बैठे आसानी से नोट और सिक्के बेच सकते हैं। तो भाई अरबिन, में पहले सिक्के की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 रुपए वाला, जी हाँ भाई अरबिन, आप लोगों को स्क्रीन पर 5 रुपए वाला पुराना सिक्का दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का आप लोगों के पास यहाँ पर जो पुराना सिक्का है, अशोक स्तंभ का भी फोटो है और यहाँ पर जो बड़े अक्षरों में 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो अशोक स्तंभ के यहाँ पर जो जस्ट नीचे यहाँ पर जो सत्ते में जैसा लिखा हुआ है, इस प्रकार की यहाँ पर जो डिजाइन भी बनाई हुई है। और भाई अरबिन, यहाँ पर जो इस प्रकार का आप लोगों के पास ये सेम सिक्का होना चाहिए। अगर आप लोग इस सिक्के को बेचना चाहते हैं या पर बेचने की कोशिश करें, अभी तक आप लोगों का ये सिक्का नहीं बिका है, तो भाई अरबिन आज आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। और भाई अरबिन, यहाँ पर जो इस सिक्के की कीमत की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों को इस सिक्के की कीमत है जो 5 लाख रुपए घर बैठे मिलेगी। जी हाँ भाई अरबिन, ये सेम सिक्का होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये सेम सिक्का है, तो आप लोगों को घर बैठे यहाँ पर जो इस सिक्के की कीमत है जो 5 लाख रुपए आसानी से मिल सकती है। तो भाई अरबिन, आप लोग ये सिक्का बेचना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। ऐसे सिक्के 10 लाख कलेक्शन में चाहिए, मतलब यहाँ पर जो इस सिक्के की फुल डिमांड है, इस प्रकार के सेम सिक्के जो 10 लाख कलेक्शन में चाहिए, तो भाई अरबिन आज ही घर बैठे बेचो। मतलब आप लोग यहाँ पर जो गरीब हैं, आप लोगों के पास पैसे नहीं है और भाई अरबिन आप लोग एग्जीबिशन में नहीं जा सकते, तो ये यहाँ पर जो इस प्रकार के सिक्के और नोट है जो आप लोग अपने घर बैठे बेच सकते हैं। तो भाई अरबिन, अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का सिक्का है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई अरबिन, अगले नोट की बात कर लेते हैं, तो 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट। जी हाँ भाई अरबिन, इस नोट के बारे में आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा और यूट्यूब पर बहुत ही सारे वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए में कीमत बताते होंगे, परंतु आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल ही सही कीमत बताई जाएगी और आप लोगों के घर बैठे नोट और सिक्के खरीदे जाएंगे। और भाई अरबिन, यहाँ पर जो इस प्रकार का ट्रैक्टर वाला 5 रुपए वाला पुराना नोट है, तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास है और आप लोग इस नोट को बेचना चाहते हैं, तो भाई अरबिन आज आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पर आ चुके हैं। क्योंकि भाई अरबिन, यहाँ पर जो इस नोट की कीमत है जो आप लोगों को 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में आसानी से मिल सकती है। तो भाई अरबिन, किस किस प्रकार से मिलेगी इस सिक्के में, ऐसी क्या खासियतें जिनकी वजह से यहाँ पर जो 15 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में आप लोगों को आसानी से कीमत मिल रही है। तो भाई अरबिन, यहाँ पर जो आप लोग सीरियल नंबर पर ध्यान दे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीरियल नंबर 786, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 000 सीरियल नंबर वाला 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट आप लोगों के पास पाया जाता है, तो आप लोगों को इसकी कीमत है जो 30 लाख रुपए आसानी से मिल सकती है। और बैर तो 786 सीरियल नंबर वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों के पास सीरियल नंबर वाला 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट पाया जाता है, तो इसकी कीमत है जो आप लोगों को यहाँ पर 20,000 से लेकर यहाँ पर जो 40,000 रुपए के बीच में मिल सकती है। तो भाई अरबिन, इस प्रकार का आप लोगों के पास यहाँ पर जो पुराने नोट है, तो आप लोग यहाँ पर जो घर बैठे बायरों से कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। तो भाई अरबिन, इस प्रकार का यहाँ पर जो नोट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसको किस प्रकार से बेचना होगा, इसके बारे में सारी जानकारी आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और भाई अरबिन, अगले सिक्के की बात कर लेते हैं, तो 25 पैसे वाला गेंडे सांप वाला। जी हाँ भाई अरबिन, अगर आप लोगों के पास है यहाँ पर जो गेंडे सांप वाला 25 पैसे वाला या आप लोगों के पास तो पुराना सिक्का है और भाई अरबिन आप लोग इस सिक्के को बेचना चाहते हैं, ये सेम सिक्का होना चाहिए, इसके अलावा कोई सिक्का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के गेंडे की सांप बनी हुई है और यहाँ पर जो पीछे अशोक स्तंभ का भी फोटो है और यहाँ पर बड़े अक्षर में 25 लिखा हुआ है। अगर आप लोगों के पास इस प्रकार का 25 पैसे वाला गेंडे सांप वाला पुराना सिक्का पाया जाता है, तो भाई अरबिन आप लोग इस सिक्के को घर बैठे बेचकर लखपति भी बन सकते हैं। जी हाँ भाई अरबिन, इस सिक्के की कीमत है जो आप लोगों को 10 लाख से लेकर यहाँ पर जो 12 लाख रुपए के बीच में आसानी से मिल सके। तो भाई अरबिन, इस प्रकार का आप लोगों के पास तो प्राचीन काल से जुड़े पुराना पुराना सिक्का है, तो आप लोग यहाँ पर जो घर बैठे बेच सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों को स्क्रीन पर बायरों के कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग अपने पुराने नोट और पुराने सिक्के जो घर बैठे बेच सकते हैं। तो भाई अरबिन, आप लोग मैंने यहाँ पर जो जितने भी पुराने नोट और पुराने सिक्के बताए, उनमें से आप लोगों के पास किसी भी प्रकार के पुराने नोट
और पुराना सिक्का है या फिर उनके अलावा भी पुराने नोट और पुराने सिक्के आप लोगों के पास पाए जाते हैं तो आप लोग भी घर बैठे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग अपने पुराने नोट और पुराने सिक्के जो बेच सकते हैं। तो भाई बहनों आप लोगों के पास मैंने बताया उनमें से आप लोगों के पास है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो भाई बहनों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।